छेना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर काउज मिल्क, लेमन जूस 2 लेमन का। अब हम छेना बनाने के लिए 1 गैस पर गाय का दूध बॉईल होने के लिए रखेंगे। दूध को 1 बॉईल आने तक वेट करें। ये हमारा छेना बनाने वाले दूध में उबाल आने लगा है। उबाल आने के बाद हमें दूध को 10 मिनट के बाद फाड़ना है। उससे पहले दूध को ना फाड़ें, ना बॉईल होने के टाइम फाड़ें। अब हमें छेना का दूध उबाले हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फाड़कर छेना बनाएंगे। गाय के उबले दूध में 1-1 चम्मच करके नींबू का रस को डालकर दूध को फाड़ेंगे। नींबू का रस डालकर दूध को चम्मच से चलाते रहें। 2 मिनट तक चलाने के बाद आपको दूध फटा हुआ दिखने लगेगा। ये देखिए, 2 मिनट तक चलाने के बाद हमारा दूध अच्छे से फट चुका है। इसे 1 मिनट तक और ऐसे ही चलाते रहें। अब हम इसे एक पतले कॉटन कपड़े की हेल्प से छानेंगे। कपड़े को एक दूसरे बर्तन पर सेट करके धीरे धीरे फटे दूध को डालना है। ये मैंने पूरा छेना डाल दिया है। अब इसको हम साफ पानी से धोएंगे, जिससे कि नींबू का सारा अंश निकल जाए। अब इसे अच्छे से फिंगर से प्रेस करके छेना को दबाएंगे और इसे एक बार और पानी से धोएंगे। हम छेने को एक बार और साफ पानी से धोकर अच्छे से निचोड़ लेंगे। पानी पूरा अच्छे से निचोड़ कर ये हमारा छेना तैयार हो चुका है। अब आप इसे कोई भी शेप बनाकर, जैसे कि रसमलाई या स्पंज या दूध की पकौड़ी बना सकते हैं।